सबसे पहले शुरुआत करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के बारे में। अगर हम आज के दिन की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त तेजी, लगभग 4% की तेजी, और इस तेजी के पीछे का रीजन की बात करें तो आज के दिन इस कंपनी में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज निकल गया है। और अगर हम उस न्यूज की बात करें जो कि आप देख सकते हो कि एचएल लिमिटेड इज गियरिंग अप टू सिग्निफिकेंटली इनहेंस इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी थ्रू सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि एचएल लिमिटेड दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी में फॉर एएमसीए प्रोडक्शन में, जिसके फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। और इसी इन्वेस्टमेंट के चलते आने वाले टाइम उनके जो एम है वो रिड्यूस करेंगे एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ फ्यूचर फाइटर जेट। इसी खबर के चलते आज के दिन स्टॉक में हमें एक बहुत ही जबरदस्त रैली देखने को मिला। तो अगर हम इस न्यूज की बात करें शॉर्ट टाइम से ज्यादा लॉन्ग टाइम हिसाब से न्यूज इस एचएल लिमिटेड कंपनी के लिए हमें बहुत ही जबरदस्त न्यूज देखने को मिल रहा है। दो दिन पहले हमें और भी कमाल के अपडेट देखने को मिला था, जो कि ये रिपोर्ट के जरिए अपडेट थे कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री वो बातचीत कर रहे एचएल लिमिटेड के साथ फॉर वाइड बॉडी P2F कन्वर्जन फैसिलिटी इन इंडिया। तो अभी तक देखा जाए ये तो रिपोर्ट के जरिए खबर है, बट और जिस दिन ये न्यूज ऑफिशियली आ गए उस दिन भी आपको इस स्टॉक इस एचएल लिमिटेड में आपको जबरदस्त एक अच्छे खासी रैली देखने को मिल सकता है। और बाकी अगर हम स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें पिछले एक मंथ की बात करें तो आज भी 16.5% डाउन, जो कि एक डिसेंट गिरावट तो जरूर है, बट जिस प्रकार के स्टॉक ने एक तरफा रैली दिखाई है उसके हिसाब से ये जो गिरावट है 15-16% की, तो इस स्टॉक के हिसाब से हमें एक बहुत ही डिसेंट और एक बहुत ही नॉर्मल गिरावट देखने को मिल जाता है। क्योंकि अगर आप इसके 5 साल के परफॉर्मेंस को देखोगे तो देख सकते हो कि 5 साल में स्टॉक ने किस प्रकार के मल्टीपल पर रैली दी, मतलब किस प्रकार के स्टॉक ने शानदार परफॉर्मेंस दिया, 1300-1350% तक की तेजी, और स्टॉक देख सकते हो कि हमें एकदम अपना टॉप ही देखने को मिल रहा है। तो ये जो गिरावट स्टॉक में हुआ टॉप लेवल से 16-17% के आसपास, ये इन स्टॉक के लिए स्टॉक के परफॉर्मेंस के हिसाब से और स्टॉक के वैल्यूएशन के हिसाब से हमें एक बहुत ही डिसेंट और एक बहुत ही नॉर्मल गिरावट देखने को मिला। अगर आप स्टॉक के वैल्यूएशन को भी देखोगे स्टॉक के अर्निंग्स के साथ तो देख सकते हो कि स्टॉक अभी भी टॉप से 16-17% गिरा जरूर है, बट आज भी स्टॉक अपना एक बेसिक अर्निंग्स के आसपास ही है। तो ऐसे नहीं कि स्टॉक टॉप से बहुत ही मैसिव गिरावट दिखा चुका है कि स्टॉक के अर्निंग्स यहाँ पे और स्टॉक यहाँ पे, तब हम बोल सकते हैं कि स्टॉक ने एक हेल्दी गिरावट दिखाई। तो जो गिरावट स्टॉक में भी फिलहाल आपको देखने को मिला एक बहुत ही छोटी और एक बहुत ही बेसिक सा गिरावट हमें देखने को मिला। हाँ, यही गिरावट जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये गिरावट आगे और भी फर्दर कंटिन्यू हो सकता है अगर कंपनी इस बार जो 14 अगस्त को कंपनी के नंबर आने वाले नेक्स्ट हफ्ते, अगर उस नंबर में कंपनी कुछ डिसअपॉइंटिंग एक बहुत ही खराब नंबर दिखा दे, डाउनग्रेड वाले नंबर दिखा दे, तो ये वैल्यूएशन जो है रिच वैल्यूएशन ये मैच होगा नहीं। उसके बाद इस लेवल से स्टॉक पे और भी एक आपको अच्छे खासे करेक्शन देखने को मिल सकता है, जो करेक्शन एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि फिलहाल तो स्टॉक ने आज के दिन इस अच्छी खबर के चलते इस 4500 के इंपॉर्टेंट लेवल से एक अच्छे खासे बाउंस बैक दिखाए, एक अच्छे खासे रिकवरी दिखाए, बट अगर कंपनी के नंबर खराब आते 14 अगस्त को तो फिर से यहाँ से गिर के ये जो 4500 के लेवल है इसको ब्रेक डाउन देके स्टॉक आपको यहाँ से 4000 तक भी आते हुए आपको देखने को मिल सकता है। तो इसलिए किसी के पास अगर ये स्टॉक है नहीं और फेस बैंक करने के बारे में सोच रहे तो वो जाना है, तो आप कभी भी अगर आपको जाना है तो किसी भी स्टॉक में कभी भी आप जा सकते हो, बट अगर आपको लॉजिक के साथ जाना है तो सबसे बड़े लॉजिक है कि 14 अगस्त जो कि कंपनी के नंबर आने वाले हैं, तो नंबर में अगर डिसअपॉइंटिंग आया तो यही स्टॉक आपको और भी सस्ते प्राइस में मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो एफएल इंडिया लिमिटेड, अगर हम आज के दिन की बात करें तो उन स्टॉक में भी 202% की तेजी, और बाकी पिछले पांच सालों की बात करें तो इन स्टॉक ने भी बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। और खास करके यहाँ से जो स्टॉक ने इस 1000 के लेवल से जो एक तरफा स्टॉक ने रैली दिखाना शुरू किया अभी तक वो रैली हमें कंटिन्यू देखने को मिली। और अच्छी बात है कि कंपनी के जो हमें नंबर देखने को मिला क्वार्टर वन के, वो नंबर भी हमें लॉन्ग टाइम के साथ साथ शॉर्ट टाइम हिसाब से भी हमें अच्छे देखने को मिला, तो उसी के बाद हमें स्टॉक में और भी एक अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल तो स्टॉक देखा जाए तो एक हर्डल फेस कर रहा है जो कि 1500 के एक इंपॉर्टेंट हर्डल, जिस लेवल से स्टॉक ने आज से 2.5 साल पहले एक बड़ी गिरावट दिखाए थे, तो फिलहाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे है ये 1500 के लेवल। अगर इसने इस लेवल को सस्टेन किया, बार बार ब्रेकआउट तो देता है बट सस्टेन नहीं कर पाता, बट सस्टेन करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसको ब्रेकआउट देके कुछ दिनों तक सस्टेन करे और मार्केट में ऐसे पॉजिटिविटी बना रहे तो यहाँ से आपको और भी बहुत बड़ी रैली जो कि 1750 से लेकर 2000 के ऊपर भी स्टॉक आपको आने वाले टाइम में जाते हुए देखने को मिल सकता है। और मार्केट में अगर मान लो मार्केट में प्रेशर आ जाता है तो शायद से ये जो 1500 के लेवल है जिसको स्टॉक फिलहाल हर्डल फेस कर रहे हैं तो यहाँ से फिर से आपको एक अच्छे खासे हेल्दी करेक्शन भी देखने को हमें मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो डेक्सॉन टेक्नोलॉजी, अगर हम आज के दिन की बात करें तो उन स्टॉक में भी एक बहुत ही जबरदस्त तेजी, 3.5 से लेकर 4.25% की तेजी, बाकी पिछले एक मंथ की बात करें तो लगभग 7.5% की गिरावट, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल सी गिरावट है। क्योंकि अगर आप इसके एक साल की परफॉर्मेंस को देखोगे तो साल भर में भी इस स्टॉक ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया, लगभग 145% की तेजी। पिछले 5 सालों की बात करें
तो लगभग 3000% के आसपास की रैली, और देख सकते हो कि स्टॉक हमें टॉप पे देखने को मिला। और खास करके ये वाले जो रैली स्टॉक ने दिखाया, इसके जैसे आप ऐसा बोल सकते हो कि स्टॉक में एक बहुत बड़े हमें हलचले देखने को मिल रहे, वैल्यूएशन के हलचले। कंपनी इस बार क्वार्टर वन में सबसे कमाल के नंबर दिखाने के बाद भी स्टॉक में रैली जरूर आया, 12,000 को ब्रेकआउट दिया था, 12,700 तक की स्टॉक रैली दिखाए, बट उस रैली को सस्टेन नहीं कर पाए। उसके पीछे का रीजन है कि एक नेगेटिव टारगेट, मतलब स्टॉक नंबर तो कंपनी कमाल के दिखाए, बट ब्रोकरेज का मानना है कि स्टॉक ने जो नंबर जिस प्रकार के दिखाए, इतने अच्छे नंबर दिखाने के बाद भी स्टॉक इस वैल्यूएशन में डिजर्व नहीं करता, ये इसकी फेयर वैल्यू है नहीं, इसके फेयर वैल्यू यहाँ से और भी नीचे होना चाहिए, 7,000 के नीचे स्टॉक की प्राइस होना चाहिए, मतलब इस लेवल से भी 43% के डाउन साइड। और ये चीज़ें हमें गोल्डमैन सच के साथ से देखने को मिला, और उनके मानना है कि रिच वैल्यूएशन स्टॉक ने जिस प्रकार इस लेवल से स्टॉक ने पिछले 1.5 साल में एक तरफ रैली दिखाई, बिना रुकावट दिखाई, मतलब इस 2,500 के लेवल से 13,000 तक की रैली, तो ऐसे नहीं कि इस रैली के बीच में कंपनी में कोई बहुत बड़े फंडामेंटल चेंज हुआ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं कि इस 1-1.5 साल के बीच में कंपनी ने कंसिस्टेंसी इसी प्रकार के जबरदस्त नंबर दिखाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, इस बार के क्वार्टर वन के नंबर कमाल के जरूर है, बट पास्ट में स्टॉक ने इस प्रकार की रैली दिखा चुका है जिनके चलते ऑलरेडी स्टॉक के वैल्यूएशन एकदम रिच और एकदम टॉप पे पहुंच चुका है। तो अगर इसी वैल्यूएशन को आगे भी मेंटेन रखना है, तो जैसे इसने क्वार्टर वन के नंबर दिखाए, इसी प्रकार के नंबर कंपनी को क्वार्टर टू में, मतलब लगातार इसी प्रकार के नंबर दिखाने पड़ेंगे कंसिस्टेंसी, तभी जाके ये वैल्यूएशन मैच होगा और आगे ये रैली आपको आगे भी और भी कंटिन्यू होते देखने को मिल सकता है, जो कि ये जो टारगेट है। तो आपको जैसे मैं एक चीज बोल चुका, इस टारगेट के चलते ऐसे इन्वेस्टर बिल्कुल भी आपका मतलब बाइंग का और सेलिंग का तो बिल्कुल भी डिसीजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी स्टॉक में जब इस प्रकार के एक तरफ रैली आता है, कोई भी स्टॉक जब इस प्रकार के अच्छे प्रॉफिट देता है, तब उस स्टॉक में आपको इस प्रकार के वैल्यूएशन का आपको इस प्रकार के नेगेटिव अपडेट देखने को मिल जाएगा, स्टॉक के रेज वैल्यूएशन है, अब स्टॉक इस प्रकार से गिरेगा, तो इस प्रकार के अपडेट आपको उन हर स्टॉक में देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी के अंदर पोटेंशियल इतना है कि कंपनी आज 10-11 हज़ार पे है, ये 12,000 का आपको फ्यूचर में 20,000-24,000, मतलब यहाँ से भी स्टॉक आपको डबल होते आपको देखने को मिल जाते हैं, इतने पोटेंशियल हमें कंपनी के बिजनेस के अंदर देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि जिस प्रकार की कंपनी के बिजनेस मॉडल है, खासकर ये जो कंपनी ईएमएस सेगमेंट में काम करते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में काम करते हैं, जो भी कंपनी के लाइटिंग होम अप्लायंस के जो प्रोडक्ट है, इन चीज़ों में जो कंपनी काम करती है, तो इसकी डिमांड अभी भी बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल, और फ्यूचर में इसकी डिमांड आपको और भी ग्रो होते हुए देखने को आपको मिल सकता है। और खास करके कंपनी के जितने भी सेगमेंट है, उनमें से दो सेगमेंट ऐसे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंपनी के पूरे बिजनेस में। एक तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक जिसमें 25% की कमाते हैं, दूसरा मोबाइल फोन्स और ईएमएस जिसमें 60%, दोनों को मिला के देख लो तो 85% के बिजनेस सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो सेगमेंट में आते हैं। और मैनेजमेंट के मानना है इन दोनों सेगमेंट में अभी तक जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिला इंडिया में, बट आने वाले 5-10 साल ये दोनों सेगमेंट में हमें और भी कमा की ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और ये स्टेटमेंट सीधा हमें कंपनी के जो एमडी है, अगर हम अतुल जी की बात करें, इनके साइड से देखने को मिला। ये जो ईएमएस सेगमेंट है इंडिया की जो इंडस्ट्री है, अभी तक 4-5 साल इसमें कमाल की ग्रोथ दिखा है, तभी तो डिक्सन टेक्नोलॉजी एक स्मॉल कैप से एक लार्ज कैप तक की रैली ये दिखा चुका है। बट अभी भी ये जो इंडस्ट्री है, ईएमएस इंडस्ट्री इंडिया के, ये एक्सपेक्ट करके चल रहे कि आने वाले टाइम में 300 बिलियन तक ये मार्केट आपको जाते देखने को मिल सकता है बाई 2026 से लेकर 2027 तक। और इसमें इस डिक्सन टेक्नोलॉजी को बहुत ही बिगेस्ट, बहुत ही बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी नजर आ रहे हैं, और इसी अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने हाल ही में आपने दिखा कि एक डेढ़ मंथ पहले कंपनी के मैनेजमेंट ने 1500 से लेकर 1800 करोड़ का बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट भी कर दिया कि आने वाले नेक्स्ट 3 साल में हम इतने बड़े इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि हम इंक्रीज करेंगे प्रोडक्शन कैपेसिटी कंपोनेंट मैन्युफैक्चर के, ताकि ये जो अपॉर्चुनिटी हमें नजर आ रहा है, इस अपॉर्चुनिटी को डिक्सन टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रैब कर पाए। तो इन सारी चीज़ों को जोड़ के देखा जाए तो अभी तक इस कंपनी जिस प्रकार की ग्रोथ दिखाए, एक स्मॉल कैप से आज ये कंपनी एक बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी बन चुका है। बट जैसे इससे पहले भी जब ये स्टॉक यहाँ पे एक मिड कैप साइज की कंपनी थी, तब भी सेम चीज़ कहा था, आज एक लार्ज कैप कंपनी बन चुका है तब भी सेम चीज़ कह रहा हूँ, अगर आप लंबी अवधि के लिए बने रहोगे तो लॉन्ग टर्म में आज ये कंपनी 60-70 हज़ार करोड़, मान लो 70 हज़ार करोड़ का अभी इसके करंट टाइम में मार्केट कैप है, ये फ्यूचर में 7 लाख करोड़ तक भी इसका मार्केट कैप जाने का पूरा दमखम, मतलब इतने पोटेंशियल हमें इस कंपनी के बिजनेस के अंदर देखने को मिल जाता है। बट ये रातों रात नहीं होगा, उस बीच में आपको इस प्रकार के कभी कभी बड़े बड़े करेक्शन भी देखने को मिल जाएगा, बट कंपनी के अंदर इतने पोटेंशियल है कि कंपनी यहाँ से भी आगे आपको और भी बहुत बड़ी कंपनी बनते हुए आपको देखने को मिल सकता है, और आगे इस कंपनी के साइड से दोबारा आपको बोनस पेड का अनाउंसमेंट भी आते हुए आपको देखने को मिल सकता है। तो किसी के पास है अच्छी कंपनी, आप चाहो तो और भी लंबी अवधि के लिए इस कंपनी के साथ बने रह, तो कभी भी अगर इस प्रकार की गिरावट मिलता है मार्केट में गिरावट होने के चलते, क्योंकि मार्केट गिरेगा तो ये भी गिरेगा, तो वो गिरावट आपके लिए अच्छे खासे मौका भी साबित हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो टीवीएस मोटर लिमिटेड, अगर हम आज के दिन की बात करें तो इन स्टॉक में भी एक बहुत ही जबरदस्त तेजी, लगभग 3% की तेजी। साल भर की बात करें
तो 91%, और 5 साल की बात करें तो लगभग सारे 500% थे, जो स्टॉक हमें एकदम टॉप पे देखने को मिल रहा है। सो टीवीएस मोटर की बात करें तो इस रैली के साथ साथ हाल ही में कंपनी के मैनेजमेंट ने 1:5 का स्प्रीड का भी अनाउंसमेंट किया, तो जिसके पास है उनके लिए गुड न्यूज है, जिसके पास है नहीं तो बोनस और स्प्रीड के चलते किसी भी स्टॉक में जाने की जरूरत है नहीं। अच्छी कंपनी के साथ बने रहोगे तो इस प्रकार के बोनस पे आपको अच्छे स्टॉक में भी फ्यूचर में देखने को मिल सकता है।